अच्छा तुम्हारी वो ड्रेस का है जो मैंने तुम्हें बड़े प्यार से दी थी? वो बड़े प्यार से मैंने दिशा के रूम में रखा दी। वेरी गुड। क्या गुड? यहाँ होती तो खराब हो जाती ना। ये उस ड्रेस पर कैसा लगेगा? मेरे लिए? नहीं, मेरे लिए कुछ तुम्हारे लिए कैसे लगा? बहुत सुंदर। ये ब्रेसलेट नहीं है, मेरा प्यार। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मुझे मेरी लाइफ की हर खुशी देने के लिए। और ये जो है ना, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। समझ में नहीं आ रहा कि इसके बदले में तुम्हें दूध तो क्या दूं? आप बस मुझे अपना टाइम दे दीजिएगा, क्योंकि जब ये आएगा तो आपको ही ख्याल रखना पड़ेगा। अरे मैं तो आठ आठ को संभालने के तैयार हूँ, तुम एक गिना रही हो। जब आएगा तब देखेंगे, अभी जाइए। अच्छा सुनो 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 सुनो, हाँ। ब्रेसलेट कैसा लगा? बहुत सुंदर। तो इसके बदले में क्या दोगी? एक किसी दे दो, छोटी किसी ऐसे। नहीं। अच्छा एक प्यारी किस? नहीं, आप जाइए, मुझे देर हो रही, मुझे तैयार होना है। अब आने वाले 9 महीनों का एक एक दिन इतना ही खूबसूरत जाने वाला है। सॉरी प्रज्ञा, पर इस बार भगवान मेरे साथ है। तुमसे बदला लेने के लिए मर्जी भगवान की है, पर मेहनत मेरी। वाली माँ को ना वजन नहीं उठाना चाहिए, पपाया जूस नहीं पीना चाहिए और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और कदम संभाल के चलना चाहिए। मेरी एडवाइस है प्रज्ञा, इस लहंगे को पहनकर जरा संभल कर चलना, वरना तुम्हारा पांव अटक जाएगा और तुम गिर जाओगी। और अगर तुम सीढ़ियों से गिरी तो बच्चे के बचने के चांसेस 0, बिल्कुल इसकी तरह। और ऐसा ही होगा प्रज्ञा, ऐसा ही होगा। प्रेगनेंसी नहीं, मिस कैरेज लिखा हुआ है। ये लो, हमारे बच्चे भी आ गए। बस सारे जिगर दे छल्ले। मिताली देख, तरुण और नेहा आए। अरे अरे कैसे? अरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। तू ठीक तो है ना बेटा? बिल्कुल ठीक। ये तंग तो नहीं करती ना तुम्हें? अगर करती होती है ना तो मुझे पता हो, मैं इसके कान मरोड़ूंगी। तंग तो यही करती होगी। हाँ, इस बेचारे की तो उसके सामने
हाँ बोलने की भी हिम्मत नहीं है। वो देख भाई, सारे शादीशुदा मर्दों का यही हाल। अपने रॉकस्टार अभी को ही देख लो, प्रज्ञा के चक्कर में वेटर बना घूम रहा है पार्टी में। रॉकस्टार हमारा। ओ अभी, हाँ, वही इधर आ, तरुण और नेहा आ गए हैं। तो क्या मिल गया? हाय हाय तरुण, वेलकम वेलकम। क्या बात है, इतना क्यों ऐसे जा रहे हैं सब? अरे तेरी ही बातें हो रही हैं। इतने सारे लोग हैं यहाँ काम करने के लिए, तू आकर हमारे साथ खड़ा हो जा। अरे नहीं नहीं दासी, अब तो दूसरी बार पापा बनने जा रहा हूँ। मतलब जिम्मेदारियाँ डबल हो गई है और खुशियाँ भी डबल ही है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ सभी को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा और पिलाऊंगा भी। हंस लो जितना हंसना है, ये लाफ्टर शो बंद होने का टाइम आ गया है और इसके लिए मिताली भाभी मेरी हेल्प करेंगी। नेहा दी, मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे ना आपको एक चीज दिखानी है, आप चलो ना मेरे साथ। अरे चलो ना। कहाँ? चलो। मिताली भाभी, आप क्या हुआ? वो सब लोग आ चुके हैं और स्वर्णी दासी और अभी ने भी कहा था कि यू नो प्रज्ञा को बुलाना है, तो अगर आप हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी वो तैयार हो गई होगी। अब मन तो नहीं करता, इतनी मस्ती आ रही है ना यहाँ पर, मैं फिर भी आती हूँ। अब उल्टी गिनती शुरू। वाओ ये तो बहुत प्यारा है, कहाँ से लिया? चक्स, आज ही खरीदा है। और इसमें जो स्टील के छोटे छोटे बॉल्स है ना, उसमें बहुत तेज घूमता है। इसका नाम फिजिट स्पिन है। वेरी नाइस। चलो पर अभी हम इससे नहीं खेलते, हमें पार्टी चल रही है ना नीचे, तो एंजॉय करते हैं, टॉयज से बाद में खेलेंगे। अगर टॉयज से नहीं खेल सकते तो सिंपल गेम तो खेल सकते हैं ना, जैसे कि पकड़म पकड़ाई, भागो भागो भागो। आराम से। क्यारा, सनी, दी जल्दी बाहर आओ ना, मुझे देखना है आपको। अरे आ रही हूँ। आराम से, कितने सुंदर लग रहे हो आप, ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही है। अरे लेकिन ये ना प्रज्ञा, क्या हुआ? तुम तैयार हो ना तो फिर चलो ना नीचे, सारे मेहमान आ गए, सब इंतजार कर रहे हैं। अभी उसकी तो हालत देखने लायक है, भयानक तरीके से इंतजार कर रहा है तुम्हारा वो। चलो बेसब्री से चलो चलो चलो। अरे दादी दासी सब बोल रहे हैं अभी तक आई क्यों नहीं? नहीं भाभी, एक्चुअली ये अस्तर देखिए ना, नीचे से पता नहीं कहाँ से फट गया है, बार बार पाँव इस पे अटक रहा है। एक काम करते हैं ना, मैं सुई धागे से सिल देती हूँ, 5 मिनट लगेंगे बस। एक दिशा, अब तक प्रज्ञा को पता चल गया होगा कि उसकी ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है, और दिशा अपनी प्रज्ञा दी को ऐसे तो बाहर आने नहीं देगी, वो जरूर सुई धागा ढूंढ रही होगी। यहाँ तो नहीं है, रुको मैं भी देखती हूँ। रखी तो यहीं पर थी सुई धागा, पता नहीं कहाँ चला गया। एक मिनट रुको। अरे दिशा प्लीज, टेंशन क्या, अभी भी ना सारी चीजें यहाँ वहाँ छुपा के रखा। अरे आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, सेफ्टी पिन है क्या? सेफ्टी पिन लगा लेती हूँ, उससे काम हो जाएगा। अरे नहीं दी, सेफ्टी पिन लगाएंगे वो खुल वुल जाएगा तो फिर से गिर जाओगे आप। हाँ तो कुछ कपड़े चेंज कर ले। भाभी अभी कपड़े चेंज करूंगी, फिर ज्वेलरी सिलेक्ट करूंगी, फिर इतना टेंशन मैं नहीं ले सकती, वो बहुत लेट हो जाएंगे, सब वेट कर रहे हैं ना नीचे। तुम सेफ्टी पिन दे दो ना, उससे हो जाएगा काम। आखिर में वो सेफ्टी पिन लगाएगी, और अच्छा ही है, इतना टाइम वेस्ट होने के बाद प्रज्ञा जल्दी में होगी और जल्दी जल्दी में वो नीचे देखे बिना चलेगी। ऊपर से ये कियारा और सनी कितने शैतान हैं, कहीं भी कुछ भी तोड़ के गिरा देते हैं। प्रज्ञा बिना नीचे देखे चलेगी और इन पे पांव रख के सीढ़ियों से नीचे गिर जाएगी। दी संभाल के चलना बस, नहीं तो पिंस फिंस खुल जाएंगे, तो अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। चलो चल। अरे तुम चलो, सब इंतजार करें, जल्दी जाओ। हम आए हाँ। इतनी साल से मैं जानती हूँ और एक चीज तुम्हें बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ कि जब जब तुम फैमिली से अलग अलग रहती हो तो कुछ ना कुछ उनके लिए गलत ही करती हो।
और अगर ऐसा सोच रही हो तो गलती से भी सोचना मत. राइट क्योंकि प्रज्ञा प्रेग्नेंट है और ये तुम्हारी फैमिली है. एग्जैक्टली और जिसे तुम सिर्फ प्रज्ञा का बच्चा समझ के बैठी हो वो मेरे भाई का भी बच्चा है. और जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा था कि उस बच्चे के लिए मेरी फीलिंग्स वैसी हैं जैसे कियारा के लिए हैं. शी इज माई ब्लड एंड सो विल द कमिंग बेबी भी. तो अगर तुमने कुछ भी करने के बारे में सोचा ना तो तुम्हारी हेल्प करना तो दूर की बात. आई माई सेल्फ पनिश यू सो डोंट इवन थिंक अबाउट इट. प्रज्ञा से बड़ी तो ये मेरी दुश्मन बनी हुई है. पहले इसे शांत करना होगा. डोंट वरी आलिया मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही. गुड फॉर यू. एक्सक्यूज मी. मैं ये बैरिंग्स इस साइड गिरा देती हूँ. प्रज्ञा आएगी तो रेलिंग की साइड ही चलेगी. लेकिन जब उसका पांव इन बैरिंग्स पे पड़ेगा तो वो रेलिंग नहीं पकड़ पाएगी और उसकी ड्रेस जिसमें उसने सेफ्टी पिन लगा रखी है वो भी परेशान करेगी. मतलब उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं और बचने के कम. हेलो. ओहो मैडम जी और कितना तड़पाने का इरादा है? आप वेट कर रहे हैं मेरा? मैं क्या सभी कर रहे हैं? सब लोग तुम्हें देखने के लिए बेचैन हो रहे हैं. बेताब हो रहे हैं. आओगी आप लेने आ जाओ. अब अगर ये प्रज्ञा को लेने गया तो प्रज्ञा को गिराने नहीं देगा मुझे. लेने आएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे. अच्छा लगेगा? हाँ. थोड़ा वेट आपने किया थोड़ा वेट मैं कर लूंगी. ठीक है आता हूँ. अरे दिया आप अभी यहाँ पर हो? हाँ मैंने कहा तुम चली गई होंगी. अरे नहीं इनका फोन आ गया था. बताइए ना क्या हुआ. अरे कुछ नहीं वो बादल टकरा गया. ऐसे कैसे टकरा गए? मैं आ रही हूँ. अब जीजू आप दिल थाम के बैठिए हम आ रहे हैं दीदी को लेकर. मैं आ रही हूँ आप ध्यान रखिए. ओके ठीक है. अभी ये कान में क्या बोल के गया? चलो आओ. क्या हुआ दी? पता नहीं अचानक पेट में दर्द उठा. कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया था ना? नहीं नहीं. प्रज्ञा पर तुम तो बहुत हेल्दी फूड खाती हो ना तो फिर पेट में दर्द कैसे हो गया ये? नहीं नहीं अभी दर्द कम हो गया. चल चलते कोई बात. अरे पक्का? हाँ पक्का. चलिए चलिए. साहिबान मेहरबान और मेहरा खानदान हमारे खानदान में फिर से खुशियां लाने वाली और फिर से बच्चों की किलकारियां गुजाने वाली पधार रही हैं प्रज्ञा मेहरा. बस थोड़ा और चलो प्रज्ञा थोड़ा और. प्रज्ञा दी. प्रज्ञा ओके
मैं ठीक हूँ। अरे ठीक से देखो, कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ नहीं दादी, मैं ठीक हूँ, मैं जाकर बस चेंज करके आई। हाँ दी, चल के चेंज कर लीजिए प्लीज। आइए। बॉल बैरिंग्स किसने करा? मैं कुछ पूछ रहा हूं। कियारा, ये तुम्हारे फिज स्पिनर के बॉल बैरिंग्स है ना, ये तुमने गिराए? मैंने किया। ये जिसने भी गिराया ना, अगर वो खुद ही बता दे तो उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर मुझे पता चला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? अभी छोड़ ना यार, बच्चे का प्राण है। कुछ नहीं हुआ, ओके? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या बच कैसे गई? भगवान तो मेरे साथ दे रहे थे ना, मुझे सपोर्ट कर रहे थे, फिर एंड टाइम पे उसने प्रज्ञा का साथ कैसे दिया? नहीं, मेरा लक मेरे साथ है। मैं तनु हूं, तनु जो चाहती हूं वो कर सकती हूं। फिर इस बार कैसे नहीं हुआ? प्रज्ञा बच कैसे गई? कैसे बच गई? क्यों भगवान ने मेरे साथ नहीं दिया? जब मुझे सपोर्ट नहीं करना था तो उसके बच्चे को मरने का आइडिया क्यों दिया मुझे? रिजल्ट नहीं देने था तो क्यों दिया आइडिया? क्यों क्यों क्यों? ये क्या कर रही हो तुम? मैं हैव ऑल प्रॉब्लम। हेयर फॉल प्रॉब्लम और कैरेक्टर फॉल प्रॉब्लम, तन्नू कितना गिरोगी तुम? एक्सक्यूज मी, डायरेक्टली बोलो, क्यों किया तुमने ये सब? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो इतनी घबरा क्यों रही हो? मैं घबरा रही? मैं नहीं घबरा रही, आई एम नॉट स्कैर्ड। तुम इतनी घटिया इंसान हो ना तन्नू, एहसान शब्द का मतलब मालूम है तुम्हें? हिम्मत किसी मुझसे इस तरीके से बात करने की? मेरी हिम्मत दिखाऊं तो तुम्हारी इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं, लेकिन प्रज्ञा जिस पर इतनी दया खाती है उस पर मैं गुस्सा नहीं करना चाहता। प्रज्ञा मुझ पर दया खाती है? अभिषेक से शादी करने के बाद एक मिनट में तुम्हें घर से बाहर निकाल सकती थी, लेकिन वो प्रज्ञा है, वो तुम उसके बच्चों को मारना चाहती हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, समझे तुम? अगर दोबारा मुझे हाथ लगाया ना तो जाके अभी का बोल दूंगी कि तुमने मुझे छुआ। शिकायत करोगी, मन घड़क कहानी सुनाओगी, जाके जाओ सुनाओ, मैं भी एक कहानी सुनाऊंगा, सच्ची कहानी, सबके सामने साबित कर दूंगा कि तुमने प्रज्ञा के बच्चे को मारने की कोशिश की है। कैसे साबित करोगे तुम? एक्चुअली आई डोंट हैव टू, तुम खुद करोगे। देखो अपने आप को, ठंड का मौसम है, तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं, डरी हुई हो ना, घबरा रही हो किसी को पता ना लग जाए। तुम अभी से नहीं, तुम बहुत सही घबरा रही, सब शौक थे। अभिषेक प्रज्ञा को संभाल रहा था, बच्चों को डांट पड़ रही थी, तुम वहां पर कांप रही थी, कहीं कोई तुम्हारा नाम ना ले ले। लेकिन तुम्हारा सच मैंने देख लिया, प्रज्ञा के बच्चों को मारने। हाँ मैंने मारने की कोशिश की, वो सब कुछ मैंने किया और बार बार करूंगी, तब तक करती रहूंगी। अगर मुझे जरूरत पड़ी ना तो मैं प्रज्ञा को भी मार दूंगी, समझे तुम? ऐसी गलती मत करना तन्नू, ऐसा ख्याल तुम्हारे दिन में आया ना तो तुम्हारा वो ख्याल खत्म होने से पहले शायद मैं तुम्हें खत्म कर दूं। प्रज्ञा मेरे साथ नहीं तो क्या वो मेरे दिल में? और मेरे होते हुए आज के बाद तुम उसे कुछ नहीं कर पाओगी, इसलिए उससे दूर रहना।
अगर तुमने ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो अगली बार इस घर में नहीं, इस दुनिया में नहीं दिखाई दोगी।